जन्माष्टमी तिथि निर्णय के संबंध में आइए चर्चा करते हैं। वैसे तो हम जो भी त्यौहार मनाते हैं उनमें तिथि निर्णय सूर्योदय के अनुसार होता है, किंतु कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनमें रात्रि का विशेष महत्व रहता है, जिस प्रकार से शिवरात्रि। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि रात्रि को 12 बजे हम भगवान कृष्ण का जन्म मानते हैं और उसी समय हम ये पर्व मनाते हैं, तो रात्रि में अष्टमी तिथि का होना अनिवार्य है। तो इस वर्ष पंचांग के अनुसार 11 और 12 अगस्त को जन्माष्टमी बताई जा रही है, लेकिन जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को ही सर्वसम्मति से मनाया जाएगा। और इस दिन जन्माष्टमी का जो पर्व है वो कृत्तिका नक्षत्र में पड़ रहा है और इस दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। सूर्य का गोचर इस दिन कर्क राशि में है और वृद्धि योग इस दिन बन रहा है। जन्माष्टमी के दिन पूजा का जो समय रहेगा वो है रात्रि को 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा, यानी कुल मिलाकर 1.25 घंटा हमको मिलता है जब हम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना और आराधना में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो किस प्रकार से हमें भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना और आराधना करनी है, आइए हम बात करते हैं। जन्माष्टमी के दिन हमें पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इसके साथ ही हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म जिस समय रात्रि को 12 बजे होता है, तो रात्रि को 12 बजे भगवान के बाल स्वरूप का जो है पूजन करना होता है, तो सर्वप्रथम हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ आसन पर बैठकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को भी स्वच्छ आसन पर बिठाएं, स्थापित करें, और जिस आसन पर उन्हें रखें वो रेशमी कपड़े का हो और एकदम कोरे कपड़े का बना हुआ आसन होना चाहिए, और भगवान के बाल स्वरूप को सर्वप्रथम स्नान कराना चाहिए। पंचामृत के स्नान से भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं, तो दूध से, दही से, शहद से और जल से भगवान का स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छी तरह से वस्त्र आदि से सुसज्जित करके, गंध आदि से सुसज्जित करके और उन्हें आभूषण आदि से सुसज्जित करके आसन पर बिठाना चाहिए। और क्योंकि भगवान कृष्ण का ये बाल स्वरूप है, तो हम भगवान कृष्ण को झूले में विराजमान करते हैं, और झूले में विराजमान करने का भी यही एक तात्पर्य है कि हम भगवान कृष्ण को उस समय बाल स्वरूप में आराधना करते हैं, बाल स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। तो उन्हें झूले पर स्थापित करें या फिर आप उन्हें आसन पर भी बिठा रख सकते हैं। आप जहां भी आप एक चौकी के ऊपर आसन बनाकर वहां पर भी विराजमान करवा सकते हैं। और इसके बाद हमें भगवान की गंध इत्यादि से, रोली इत्यादि से उनका पूजन करना चाहिए, पुष्प चढ़ाने चाहिए, भोग रखना चाहिए और उसके बाद भगवान कृष्ण की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद हमें भगवान कृष्ण की आराधना में अपना समय व्यतीत करना चाहिए और उनसे श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें निवेदन करना चाहिए। तो ये है भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर्व पर कृष्ण की आराधना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, एक सामान्य पूजा का विधान जिसे आप सभी अपना सकते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब हम भगवान को वस्त्र आदि समर्पित करते हैं, उनका अलंकरण करते हैं, तो उनके साथ में मोर पंख का होना बहुत ही आवश्यक है। मयूर पंख अवश्य ही उनके मस्तक पर, उनके मुकुट में लगाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जो हम भोजन भगवान के लिए रखते हैं, भोग भगवान को समर्पित करते हैं, तो उसमें तुलसी पत्र की उपस्थिति अनिवार्य होती है। कहते हैं भगवान कृष्ण को भोग लगाना हो तो तुलसी पत्र के बिना भगवान कृष्ण कभी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो
जन्माष्टमी के दिन जब आप भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी पत्र अवश्य ही रखें। आरती समाप्त होने के बाद परिवार सहित भोजन करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार से व्रत का पारायण करें।